अकाली दल ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची। सुखबीर बादल ने 9 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। कांग्रेस 3 दिसंबर को जारी कर सकती है अपनी पहली लिस्ट, तो 30 दिसंबर को अपना पंजाब पार्टी जारी करेगी उम्मीदवारों की दूसरी सूची। मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल आज हरमंदिर साहिब में टेकेंगे मत्था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज श्री अनंतपुर साहिब और तख्त श्री केसगर साहिब में होंगे नतमस्तक। पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने लुधियाना में सतलुज नहर पर बने पुल का किया उद्घाटन। धासु गांव के लोगों को इंडस्ट्रियल पार्क का भी दिया तोहफा। फिरोजपुर में आप उम्मीदवार नरेंद्र सिंह संधा समेत 14 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का लगा आरोप। मिशन 2017 के लिए सड़क पर उतरे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह आज संगरूर, धुरी और महल कला में करेंगे रोड शो। जनता से पार्टी के लिए समर्थन की करेंगे अपील। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल शंभू बॉर्डर से शुरू किया था 2 दिवसीय रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सिंधु जल समझौते पर दिए गए बयान को कैप्टन ने करार दिया सियासी स्टंट। राष्ट्रपति दरबार पहुंचा SYL का मुद्दा। सोमवार को पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रणब मुखर्जी से करेंगे मुलाकात। मनोहर लाल SYL निर्माण की मंजूरी की करेंगे गुजारिश, तो प्रकाश सिंह बादल पंजाब के हितों की रक्षा की लगाएंगे गुहार। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिंधु जल समझौते पर प्रधानमंत्री के दिए बयान का किया समर्थन। SYL का पानी हरियाणा को दिलवाने का भी किया आग्रह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज हिसार और सोनीपत दौरा। आदमपुर में करेंगे विकास रैली, तो सोनीपत में कायाकल्प रैली में जनता को करेंगे संबोधित। कई बड़े ऐलान संभव। हरियाणा में गीता जयंती के समारोह को लेकर 6 दिसंबर को कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर करवाया जाएगा कार्यक्रम। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे उद्घाटन। कई देशों में होगा कार्यक्रम का प्रसारण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेवात में कामधेनु गौधाम और आरोग्य संस्थान का किया शिलान्यास। लोगों से अपने घरों में गाय पालने की अपील। तावड़ू को सब डिवीजन या जिला बनाने के दिए संकेत। हिसार के GJU के अवार्ड समारोह में पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा। कुलेरी गांव की गौशाला में चल रहे श्रीमद भागवत कथा समारोह में भी की शिरकत। नोटबंदी पर बोले डॉ. चंद्रा, इससे देश को होगा फायदा। चीन की एक गैंगरेप पीड़िता ने खुद उठाया अपनी सुरक्षा का बीड़ा। होमगार्ड के जवानों से रिवॉल्वर और बंदूक चलाने के लिए रही है ट्रेनिंग। गैंगरेप के कुछ आरोपी जेल में, तो कुछ अभी भी गिरफ्त से हैं बाहर। शिमला में बीजेपी चार्जशीट कमेटी की बैठक। चार्जशीट को अंतिम रूप देने पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह समेत कई मंत्रियों और निगम बोर्ड के चेयरमैन के नाम भी चार्जशीट में किए गए शामिल। चार्जशीट में अवैध खनन, सड़कों की दुर्दशा सहित ठेकेदारों को गलत फायदा पहुंचाने जैसे कई आरोप। बीजेपी की चार्जशीट को लेकर गुस्से में मुख्यमंत्री बोले, कूड़ेदान में फाड़ कर फेंक देंगे ऐसी चार्जशीट, कहा गलत साबित हुए आरोप तो किया जाएगा मानहानि का दावा। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयुष आरोग्य मेले की शुरुआत। 28 नवंबर तक मेले में आयुर्वेद की खूबियों को लोगों तक पहुंचाने की जाएगी कोशिश। हिमाचल प्रदेश में सुंदरनगर में 27 दिसंबर को होगा फुटबॉल संतोष ट्रॉफी का आगाज। 8 राज्यों की टीमें लेंगी हिस्सा। 2 जनवरी 2017 तक होगा टूर्नामेंट का आयोजन। हाई कोर्ट में जजों के खाली पदों को लेकर चीफ जस्टिस और कानून मंत्री आमने सामने। ठाकुर बोले, 500 पद खाली, रविशंकर का जवाब, सहमत नहीं हूं। हिमाचल में भारतीय सैनिक के शव से बर्बरता का भारतीय सेना ने पाक को दिया मुंह तोड़ जवाब। गोवा में रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर का बयान, घुटनों पर आया पाकिस्तान। DGM स्तर की बातचीत में पाकिस्तान ने जोड़े हाथ। POK पर फारूक अब्दुल्ला के बयान के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। फारूक ने कल POK को लेकर दिया था विवादित बयान। 190 कश्मीरी नौजवान सेना की जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन में शामिल। कामयाबी के साथ पूरी की ट्रेनिंग, देश सेवा की खाई कसम।
चंडीगढ़ में हुए एक समारोह में फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने नोटबंदी के फैसले का स्वागत किया। अनुपम खेर ने कहा है कि नोटबंदी से न सिर्फ काला धन बाहर निकलेगा बल्कि पारदर्शिता भी आएगी। थोड़ी बहुत परेशानी के बाद भविष्य में इससे बड़ा फायदा मिलेगा। नोटबंदी के चलते चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी ने फीस जमा करने की तारीख 7 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पहले की तारीख 30 नवंबर थी। यूनिवर्सिटी बच्चों को ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए भी जागरूक कर रही है। जम्मू कश्मीर में हुई ताजा बर्फबारी ने यहां के लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का काम किया है। गुरेज, राजस्थान टॉप, अमरनाथ गुफा, पीर पंजाल की पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर में ढक गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और भी बर्फबारी की भविष्यवाणी की है।